लोग बहुत खुश हैं आज, बहुत सभी लोग खुश रहे ना रहे, मेरी देवरानी बहुत खुश है और खुशी से एकदम पूरे घर में झूम रही है, उछल रही है, डांस कर रही है। हम पूछे क्या बात है तो कह रही है अब हम पैसा कमाएंगे। क्या कमाओगे? पैसा हम कमा। बहुत खुशी, बहुत खुशी। खुशी में दोस्तों आज हम पार्टी कर रहे हैं लिट्टी चोखा का, फेमस लिट्टी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को हमारे प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों देखिए, आज 5-6 दिन हो गया, 5-6 दिन से सिर्फ बारिश ही बारिश हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। पूरा पानी देखिए, छत पर पूरा पानी भर गया, आप लोग देख सकते हैं, पूरा पानी ही पानी हो गया है, पूरा सड़क वड़क। जैसे अभी देखिए, जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ ना, वैसे तुरंत फिर से बारिश चालू हो गया। और यहाँ पे हमारे पति परमेश्वर जी हैं। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बारिश का मजा ले रहे हैं, इसमें गर्मा गर्म अगर खाना मिलता है तो नाश्ता मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी दीदी है, ना नाश्ता देगी ना खाना देगी तो हम लोग तो दोस्तों चलते हैं। आज खाना नाश्ता कुछ नहीं देते हैं, चलते हैं सिर्फ सोते हैं, क्योंकि बदनामी अगर है तो सच में बदनामी तो हमको का है करके सुना। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर नजदीक में होगा तो बताइएगा, चाय नाश्ता करने आ जाएंगे। अच्छा जाएंगे चाय नाश्ता करने? अच्छा दुकान तो पटले ही बजा, पता नहीं घर का चाय अच्छा लगता है, अच्छा नहीं मिलता है दुकान। दोस्तों आपको बता दें, चाय और नमकीन ये खा चुके हैं, अभी अगोर रहे हैं। लेकिन घर का चाय नहीं खाए दोस्तों, बाहर का चाय खाए हैं। घर का चाय पिए नहीं है, बाहर का चाय पिए है। चाय खाया जाता है क्या? अभी आप चले जाओ बंगला साइड और अभी उधर थोड़ा सा पहले ही से बोलेंगे सब चाय खा लिए, पानी खा लिए। हाँ पूछ लेना किसी से, जो कौन सा साइड, मतलब बंगाल के साइड और थोड़ा बिहार, जैसे ही बिहार के लास्ट में जाएंगे जहाँ पे बोला जाता है आमी बालू अच्छे। बंगाली लोग तो कहते हैं चाय खा लिए, लेकिन वो बात नहीं, पहले के अपने बिहारी लोग भी कुछ लोग कहते हैं जो अपने बिहारी लोग उधर। अच्छा दोस्तों एक बात बता दें आप सभी लोगों से, अगर आप लोगों के पास कम पूंजी है, पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं घर बैठे एक आप लोगों को बिजनेस बताती हूँ, आप उस पे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। हम आपको बता दे, चश्मा बेचिए, चश्मा जो चश्मा बेच रहा है राजा बन जा रहा है, पूछिए काहे है जो नाई पुलुलुलु चलल बा। मम्मी क्या बता रही थी उस दिन, आई पुलुलुलु, आई पुलुलुलु जो चलल बाटे ओकर दवाई बा चश्मा, तो चश्मा बेचा लोग पैसा कमा लोग, 10-20 रुपया चश्मा की ना, 100 रुपया में बेचा सीधा 80 रुपया मुनाफा। जा तुम बताओ तनी जाके ले के बेचा, जेबा ले आ दा मैं ही बेची। पूजी नहीं है, पूजी नहीं है, देखो मैं नहीं चश्मा लगा के, देखो करिया चश्मा लगा। दोस्तों सारे लोग चश्मा लगा लगा हीरो बन जा रहे, देखिए आदमी जा रहा है चश्मा लगा करके, मतलब जहाँ देखेंगे आप लोग चश्मा ही चश्मा। मेरे घर में हमारी तीनों बेटियाँ चश्मा खरीद ली हैं, यहाँ से एक 4-5 चश्मा तो खुदा खरीदे हैं। दोस्तों हल्का हल्का झीसा पड़ रहा है, चल रहे हैं मिस्त्री को बुलाने, क्योंकि हमारे घर का जो गेट का जो दरवाज़ा का सिटकिनी है, आप कल वाली वीडियो में देखे ही होंगे, टूट गया है दोस्तों। तो अभी हमारी छनछन और हम जा रहे हैं, छनछन कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो छनछन और हम जा रहे हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे महादेव जी को टाइम नहीं मिलता है इन सब कामों में, घर का काम तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। मिस्त्री मिल गए हैं और यहाँ आने के बाद पता चला है कि इनके पापा आए थे, मतलब छनछन के पापा आए थे लेने के लिए मिस्त्री को, और हमको जुट्ठम दोबारा भेज दिए हैं, मतलब ले आए थे वो बुलाने के लिए, फिर भी हमको भी भेज दिए हैं। फाइनली दोस्तों देखिए, ये वाला सिटकिनी मेरा ठीक हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये बन गया है, ये देखिए दोस्तों। अभी देखिए दोपहर हो गया है, 2-3 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा कम से कम, और हम लोग दोस्तों बाहर बैठे हुए हैं तख्ते पर, क्योंकि लाइट वाइट नहीं है दोस्तों, और बहुत गर्मी हो रहा है। और आप लोग देख, और दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अपने देवरानी को भसुर के सामने बोलिए दुपट्टा लेने के लिए, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों, वो हर सब वीडियो में दुपट्टा लेती है, आप लोग देखे होंगे उसके पहले भी वीडियो में दुपट्टा ली थी, सिर्फ जिस जगह मसाला ऊपर छिटक गया था उस समय बस दुपट्टा नहीं ली थी दोस्तों, पूरा मुंह पर और हर जगह मसाला मसाला था, इसी वजह से दुपट्टा नहीं ले पाई थी, इसके लिए हम आप सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत लोग झारखंड से, बुंदेलखंड से, जयपुर से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और झारखंड से, भोपाल से, मतलब मुंबई से, दिल्ली से, हर जगह से हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगा।
हम आप लोगों से बोले थे कि जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं बताइए कमेंट में। और दोस्तों आपको इतनी टाइम बता दें हमारी छनछन क्या कर रही है। छनछन जानते हैं क्या कर रही है? अपने चाची का मेकअप कर रही है। कह रही चाची अच्छा अच्छा मेकअप कर लो जैसे मम्मी करती है, बहुत अच्छा अच्छा लाइक आएगा, कमेंट आएगा और बहुत जल्दी तुम आगे चले जाओगे। तो छनछन उसका मेकअप कर रही है नीचे बैठ करके। दोस्तों यहाँ पे देखिए झगड़ा हो रहा है। यहाँ पैसे खर्चिन झगड़ा, पैसा खर्चिन झगड़ा होता है। छनछन का पेमेंट ये खा गई। हम नहीं खाए, तुम्हारे पापा खाए। हम नहीं खाए बेटा। दोस्तों हल्का हल्का मौसम फ्रेश हो गया है, अभी जा करके बारिश पटाया हुआ है। दोस्तों बहुत सोचने के बाद एकदम बोर हो रही हूँ बैठ करके, बहुत सोचने के बाद एक निर्णय ली हूँ। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत बड़ा निर्णय ले ली हूँ और सोच रही हूँ वो चीज़ करूँ कि नहीं करूँ। आप लोग पता नहीं सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। दोस्तों इस समय हम लोग खाए बिना मर रहे हैं, सच में मर रहे हैं खाए बिना, कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिल रहा है खाने को। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ ना अपना एक रेसिपी वाला चैनल बनाऊं, क्योंकि अगर मैं रेसिपी वाला चैनल बनाती हूं तो आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा और मुझे खाने को भी मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं सब चीज़ के बगैर रह सकती हूं, खाए बगैर नहीं रह सकती हूं। तो यहां पर देखिए कोई जल भुत गया, कोई जल भुत गया, कोई जल भुत गया, कोई जल भुत गया। भैया गलती हो गई, माफ कर दिया, मुँह से निकल गई, जमानी तो है कहीं से भी निकल जाएगा। अरे सोचो तो आपको भी मिलेगा खाने को। हमें नहीं खाना है भैया, हमारे घर में। दोस्तों आप लोग बताइए रेसिपी वाला चैनल में बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप लोग बताइए। आप लोग बोलोगे तभी मैं बनाऊंगी। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये तो मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे। चार दिन बगैर खाए रह जाएंगे। आप लोग करेंगे सपोर्ट कि नहीं आप लोग बताइए। आप लोग करिए भैया, हम बगैर खाए भी रह जाएंगे। दोस्तों आप लोग बताइएगा तो मैं बहुत अच्छा अच्छा चैनल पे वीडियो बना बना के डालूंगी, एक से एक खाना बना के डालूंगी। हम नहीं खाएंगे, चलेगा। बहुत अच्छा अच्छा डालूंगी जी, एक एक से खाना बना के डालो एकदम देसी स्टाइल में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप नहीं सपोर्ट करोगे? हम नहीं सपोर्ट करेंगे। खाओगे भी नहीं ना? नहीं खाएंगे। ऐसे या तू मेरा चैनल को सपोर्ट करेगी? मेरा चैनल को प्रमोट कर देना पहले ही। नमस्कार, पर हम कर प्रिया बजू मछली वीडियो कर चुका गोल लग रहा है। चाच लोग मम्मी खाने वाला वीडियो बनाएगी, हम तो खाने के लिए बना बढ़िया। दोस्तों मैं बता दूं ये स्प्रिंग क्या बनाती हो तुम? ये भी बनाती है, इसका भी पूछिए, इसका भी डालेंगे ना वीडियो में। दोस्तों इसको दुकान पर बनेगा मलपुआ, तो देखिएगा गुलगुला। अब बनेगा पनीर, तो देखिएगा मटन मटन। दोस्तों एक बात बता दे आप लोगों को, कोई अपने मम्मी के पेट से कोई चीज सीख के नहीं आता है, ठीक है? थोड़ा सा कल गलती हो गया था तो मेरा एकदम कलिये से खूब मजा ले रहा है। पनीर क्या खिला मामा तो नहीं कहा था। दोस्तों कल भी खाए रात में और इतनी टाइम दिन में भी खाए, सुबह को बचा था पनीर तो वही यही महाराज जी खाए हैं। और इतना तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम अपना रेसिपी वाला चैनल बनाए कि नहीं बनाए। आप कमेंट करेंगे तभी बनाएंगे। दोस्तों जब मकई का भूत सवार होता है तो ऐसे बारिश में कोई मकई भूज के खाता है, अजब अजब पागल आप लोग देख लीजिए। शायद ऐसा पागल आप लोग कम ही देखे होंगे। आज एक पागल ये भी देख लीजिए आप लोग, मैंने बारिश में कोई मकई छीलता भूजता है। तो कौन बोल रहा है कि तुम आपको जब मकई भूजेंगे बारिश में? हाँ अरे तो ये बारिश में मकई होगा कैसे बताओ? नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो भाई, कहाँ तक तक नीचे? इधर तो हम भी जान रहे गोईठा है, लेकिन भुजाएगा कहाँ पे? वो भी तगाड़ी नहीं है, तगाड़ी नया किनाने जा रहा है। दोस्तों क्या हुआ? सब मकई में दाना नहीं, मकई में दाना नहीं, बारिश कस के आ रहा है, बारिश कस के आ रहा है। अरे कस के आ गया जी, छाता रह रहा है, छाता ला रे बेटा, छाता नीचे, वही छाता नीचे बाहरे बा, जो दौड़ के जो बेटा दौड़ जो दौड़ जो जा दे यार, तबीयत खराब हो जाए, भाग जा। दोस्तों गजब का थिएटर हम लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा थिएटर नहीं देखे होंगे। इतना बारिश हो रहा है
फिर भी आप लोग देखिए छाता में लग रहा है कि बुट्टा भाग जाएगा आपका। अरे पटा जाएगा तो बुझिए ना भाई। अब हम कच्चे खा लेते हैं। खा कच्चे। तो दोस्तों अब ये देखिए अभी तक बन रहा था, नहीं बन रहा था कोरे, अभी तक इधर ताकिएगा जरा सा, अभी तक बन रहा मैंने मक्का भूजने का प्लान था, अब देखिए लिच्चू चोखा बनाने का प्लान हो गया। यहाँ पे देखिए आप बारिश देख सकते हैं आप लोग, बहुत तेगड़ा से बारिश है, ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रहा है, लेकिन इसी बारिश में ये जबरदस्ती बना रही है सब काम कर रही है। बारिश में बहुत मजा आता है दोस्तों, खाने में लिट्टी चोखा यार बन गया दोस्तों। वो हजार कहीं नहीं दादा। तो दोस्तों मानना पड़ेगा, दांत तो देना पड़ेगा भाई, थेथरों में का थेथर कहते हुए। ये देखिए मक्का और भुट्टा दोस्तों, देखिए लिट्टी, ये लिट्टी भुजा रहा है कि बैगन समझ में नहीं आ रहा है, क्या है दोस्तों? बैगन है, लिट्टी भुजना चाहिए तो बैगन भुजा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लिट्टी भुजना चाहिए? हाँ, अरे लिट्टी कर रहे हैं, मक्का मक्का। तो दोस्तों हमारे घर पे खुल गया है मक्के की दुकान, क्या बोलती हैं आप? खाने के लिए मक्के की दुकान खुल गया है। यहाँ पे छनछन और छनछन की मम्मी देखिए बेच रही है मक्के की। एक तीर से दो निशाना इसको कहते हैं। मान लीजिए आग जलाए हैं इतना मेहनत से, एक कढ़ाई खरीद के आया है, क्योंकि सारा कढ़ाई आया है खरीद, जो घर का कढ़ाई था सारा चला गया खेत, जहाँ घर बन रहा था तो था नहीं कढ़ाई, तो खरीद के आया, तो हम सोचे इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाओ कुछ और कर लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बना रहे अपने हाथों से लिट्टी और चोखा, और दोस्तों आज लिट्टी चोखा हम लोग बहुत मजा आएगा खाने में, सच बता रहे हैं बारिश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मकई एकदम तैयार हो गया है, भुट्टा बहुत ही मस्त लग रहा है, देखो हम खा भी चुके हैं और ये बेच भी रही है। खाने के बाद इनका वीडियो बन रहा है दोस्तों, पहले खाते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ भैया पहले वीडियो। तो दोस्तों देखिए रात भी हो गया बनाते बनाते, लिट्टी आज बहुत समय लग गया हम लोगों को लिट्टी बनाते हुए। यहाँ पे देखिए लिट्टी हमारा रखा भी गया है यहाँ। दोस्तों क्या करें, हमारे घर में लोग नहीं सही है, अब छोटी देवरानी से बोले हैं कि आलू उबाल दो, तो लग रहा है सुनी नहीं है, जब आलू मांग रहे हैं तो कच्चा 10-12 को आलू भिजवा रही है। यहाँ देखिए चोखा मेरा तैयार हो गया, सिर्फ बस इसमें मलना मिलाना, बस आलू डालना था, तेल नमक डालना था, बाकी सब मैं कर दूंगा। उसका पता नहीं क्या सुनाई नहीं दिया क्या, अब से आलू बुला रहे हैं तो सुन देगा, अब और टाइम लगेगा, मुझे पता था कि आलू बुला गया होगा, क्या बताएं। तो काफी रात हो चुका है, बहुत ज्यादा रात हो चुका है और सभी लोग खा चुके हैं, और मेरे घर पे दोस्तों कोई नहीं खा पाया है। यहाँ पर देखिए हमारा लिट्टी तैयार हो रहा है, हल्के आंच में मध्यम आंच में लिट्टी हो रहा है, लिट्टी तैयार हो रहा है, चोखा का इंतजार है, और दोस्तों चोखा का इंतजार है, तन साइलेंट हो जा बेटा, चोखा का इंतजार है क्योंकि अभी आलू हुआ नहीं है। तो चलते हैं नीचे देखते हैं क्या प्रोसेस नीचे हो रहा है, और चलते हैं मिलवाते हैं, तनी सख साइलेंट हो जाए तू हाला बोल। नमस्ते प्रणाम घर पे जी, छुटकी भी हो चुके, चाय पी रहे दूध वाला। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पानी नीचे से पता नहीं कहाँ से पानी यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ऊपर से कहीं नहीं चूरा है, यहाँ पे जैसे कोने पर यहाँ कहीं नहीं चूरा है, नीचे से पानी उठा रहा है, मतलब यहाँ नीचे से पानी उठा रहा है इन्वर्टर के नीचे, बहुत डिस्टर्ब है दोस्तों, कम से कम यहाँ आधा फिर आ गए चुरवाई हम तब पगला। दोस्तों इसको हम क्या करें, थोड़ा आप लोग बताइएगा इसको हम क्या करें, हम जहाँ रहते वही रहता है ये, पता नहीं क्या है इसको हम। चलो बोलो। नमस्कार प्रणाम घर प्रिया बजी छुटकी दरानी गढ़ चुके को लगातार, और अपने ब्लॉग के बारे में बोलो, कैसा लगा तुम्हारा ब्लॉग वायरल हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दोस्तों, खुशी का ठिकाना नहीं है, सच बात है, जब पहला ब्लॉग चाहे पहला कोई वीडियो वायरल जब होता है तो वो जो खुशी का ठिकाना रहता है ना, वो कोई महसूस मतलब कोई वो नहीं कर सकता है, वो उसका खुशी अलग ही रहता है, जब पहला ब्लॉग वायरल होता है, जब पहला पेमेंट आता है, जब पहला, अगर मैम आप ये वीडियो देख रही है तो मैम मेरा तबीयत खराब इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहा है। मैम से हमारी ये वीडियो में संदेश भेजवाइया, और कौन वीडियो में ना है, अपने वीडियो में बता दो मैम से। हाँ। तो दोस्तों हमारी छोटी बहुत ही खुश है, और इसका वीडियो जो है कि कल वाला वायरल हो गया था, ट्रेंडिंग में चल रहा था वीडियो, तो दोस्तों हम दो दो तीन तीन दिन पर वीडियो डालेंगे इनका ब्लॉग वाला, क्योंकि दोस्तों इनका वीडियो हम ही को शूट करवाना पड़ेगा और हम ही को एडिट करना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों दो दो तीन तीन दिन पर डालेंगे। तो दोस्तों देखिए सब लोग बहुत खुश हैं आज, बहुत सभी लोग खुश रहे ना रहे, मेरी देवरानी बहुत खुश है और खुशी से एकदम पूरे घर में झूम रही है, उछल रही है, डांस कर रही है। हम पूछे क्या बात है, तो कह रही है अब हम पैसा कमाएंगे, क्या कमाओगे?
लोग बहुत खुश हैं आज, बहुत सभी लोग खुश रहे ना रहे, मेरी देवरानी बहुत खुश है और खुशी से एकदम पूरे घर में झूम रही है, उछल रही है, डांस कर रही है। हम पूछे क्या बात है तो कह रही है अब हम पैसा कमाएंगे। क्या कमाओगे? पैसा हम कमा बहुत खुशी, बहुत खुशी। उसी खुशी में दोस्तों आज हम पार्टी कर रहे हैं लिट्टी चोखा का, फेमस लिट्टी चोखा है ये। चैनल चैनल प्रमोट किया ना, देखिए आप लोग, मुझे ज्यादा फोटेज मत दीजिए, वो फोटेज दीजिए। अरे सब्सक्राइब भी कर दी है अभी गजब। तो दोस्तों आप लोग भी आइए लिट्टी चोखा खा लीजिए, हमारे घर आज लिट्टी चोखा बन रहा है दोस्तों, और बारिश क्या ही पूछिए, 3 घंटा लगातार। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का खाना रेडी हो गया और यहाँ पे देखिए लिट्टी चोखा। आप लोग से बोली थी ना कि आप लोग थाली लेकर के बैठिए, मैं आ रही हूँ लिट्टी चोखा लेकर के। दोस्तों ये देखिए लिट्टी चोखा हमारा तैयार हो गया है, आप लोग भी आइए खा लीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा बना है। दोस्तों हमें आप लोग को देख करके कैसा लग रहा है ये बताइए। हमें तो दोस्तों अभी से मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट डिश है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ खाना। मेरे मायके में मान के चलिए हफ्ते में 3 बार बनता है लिट्टी चोखा,